जय हिंद बच्चों, वेलकम टू ओडिया पीच। इसी के साथ आज हम बात करने वाले हैं एनडीए एग्जाम के बारे में। बच्चों, एनडीए एग्जाम के बारे में, एनडीए क्या होता है ना बच्चों? जैसा कि आप जानते हैं कि एनडीए यूपीएससी द्वारा कंडक्ट की जाती है ना बच्चों? और हम इसके बारे में आज डिटेल्ड में इसकी जानकारी यहां से प्राप्त कर सकते हैं आप। और आज हम यह देखेंगे कि एनडीए एग्जाम क्या है और इसमें क्या चीजें होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए और क्या स्ट्रेटजी आपकी होनी चाहिए। और तो इन्हीं चीज के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। और क्या एग्जाम होते हैं, कितने फेज में एग्जाम होते हैं, क्या इसका क्राइटेरिया है, सो बेसिकली इसी चीज को आज हम स्टार्ट करते हैं। ओके बच्चों, तो आप देखते रहिए। और यहाँ पे तो बच्चों ये जो ईमेल देख रही है आपको, ये जो होती है ये है खड़गवासला, है ना बच्चों? खड़गवासला जो पुणे में है। और ये यहाँ पे आपकी एनडीए की ट्रेनिंग होती है। जब एनडीए आप एग्जाम पास कर लेते हैं तो उसके बाद जो होता है क्या कि आपका एसएसबी इंटरव्यू होता है। और इंटरव्यू होने के बाद जब आपका फाइनल सिलेक्शन होता है तो यहाँ पे आपको भेजा जाता है और आपको आपकी ट्रेनिंग कराई जाती है जो लगभग अबाउट 4 ईयर का होता है। और उसमें आपको पूरा पूरी तरह से ऑफिसर बना दिया जाता है ना बच्चों? तो एनडीए एग्जाम जैसा कि आप जान रहे हैं कि आपको आर्मी, एयरफोर्स या नेवी में आपको एक सुयोग्य है ना और प्रशिक्षित आपको एक ऑफिसर बनाता है ना बच्चों? तो देखते हैं, इसी चीज को स्टार्ट करते हैं। एनडीए एग्जाम है ना, उससे पहले मनोज कैप्टन पांडे, कैप्टन मनोज पांडे के द्वारा लिखा कहा गया एक कथन है, मेरा बलिदान सार्थक होने से पहले अगर मौत दस्तक देती है तो मैं मौत को भी मार दूंगा, है ना बच्चों? तो इसी के साथ जानते होंगे कि जो कैप्टन मनोज पांडे हैं उन्होंने अपनी जो युद्ध हुआ था, जो बैटल हुआ था, किसके किसके बीच में आप जान सकते हैं, 1962 वाले, तो उसमें इन्होंने ये कथन कहा था। तो एनडीए एग्जाम है ना बच्चों, एनडीए एग्जाम की बात करें बच्चों तो एनडीए एग्जाम में दो तरह से एग्जाम होते हैं। पहला जो होता है रिटेन एग्जाम होता है बच्चों, और सेकेंड एग्जाम होता है एसएसबी इंटरव्यू, है ना बच्चों? यानी दो फेज में इसका आपका एग्जाम होने वाला है। पहला जो होगा रिटेन होगा और दूसरा जो होगा इंटरव्यू होगा। तो बेसिकली आज हम जो है रिटेन एग्जाम के बारे में बात करने वाले हैं, पूरी तरह से रिटेन एग्जाम के बारे में बात करने वाले हैं। तो देखो बच्चों, जो रिटेन एग्जाम है उसमें जो सबसे फर्स्ट पेपर होता है वो होता है मैथ्स का, किसका? मैथ्स का। और जो सेकेंड पेपर होता है आपका जीएस का होता है। जो मैथ में टोटल क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चों आपके 120 क्वेश्चन होते हैं। कितने? 120 क्वेश्चन होते हैं। और वही अगर मैं जीएस की बात करूं बच्चों तो टोटल 150 क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं। और जो एनडीए एग्जाम होता है ये आप जानते हैं कि एक प्रतिष्ठित है ना, एक संस्था है जिसका नाम आप जानते होंगे, यूपीएससी, है ना बच्चों? यूपीएससी द्वारा कंडक्ट कराई जाती है ना बच्चों? तो यूपीएससी एक जानी मानी एक संस्था है और ये कंडक्ट कराती है एनडीए एग्जाम, है ना बच्चों? और ये 12th के बाद या 12th अपीयरिंग में जो बच्चे होते हैं वो एग्जाम देते हैं। और इसका एज भी बहुत ही कम होता है बच्चों, इसका एज बहुत कम होता है, लगभग 19 ईयर और 18 से 19 ईयर तक ये लास्ट एग्जाम दे सकते हैं। 12th में जब बच्चा रहता है और 12th के बाद ये एक दो अटेम्प्ट दे पाता है, 2 से 4 अटेम्प्ट, है ना बच्चों? क्योंकि हर साल इसके दो एग्जाम होने ही होते हैं और उसमें एग्जाम कराई जाती है दो फेज में, और पहला रिटेन और दूसरा आपका एसएसबी इंटरव्यू। तो पहले आपको रिटेन क्वालिफाई करना होता है, फिर उसके बाद आपको एसएसबी इंटरव्यू
का कॉल आता है, फिर आपको वहां पे जाना पड़ता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मैथ के बारे में, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए और किस तरह का क्वेश्चन आता है, क्या उसका सिलेबस होता है, उन्हीं चीजों के बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं। ओके बच्चों, लेट्स स्टार्ट विद द मैथ। और थोड़ा सा पहले तो ये देख लें कि एनडीए एग्जाम में, जैसा कि जानते हैं बच्चों, एनडीए एग्जाम में मैथ का जो देखा जाए तो 120 क्वेश्चन होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? 120 क्वेश्चन होते हैं। 120 क्वेश्चन जो होते हैं, हर एक क्वेश्चन जो होता है 2.5 का होता है। हर एक क्वेश्चन जो होता है 2.5 मार्क्स का होता है, 2.5 मार्क्स का होता है हर एक क्वेश्चन। ईच एंड एवरी क्वेश्चन हैज 2.5 मार्क्स। ओके बच्चों, नेक्स्ट जो है आपका 50 क्वेश्चन। 50 क्वेश्चन जो होते हैं बच्चों, 50 क्वेश्चन जो होते हैं इंग्लिश के होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? इंग्लिश के होते हैं। 50 क्वेश्चन जो होते हैं इंग्लिश के होते हैं। और अगर ये देखा जाए तो 120 क्वेश्चन मैथ में होते हैं और हर एक क्वेश्चन का जो होता है 2.5, यानी इसमें जब मल्टीप्लाई करेंगे आप तो टोटल जो होता है 300 मार्क्स का जो होता है आपका मैथ का एग्जाम होता है। ओके बच्चों, मैथ का एग्जाम जो होता है आपका टोटल 300 मार्क्स का होता है। ओके बच्चों, अगर वही मैं बात करूं इंग्लिश की, तो इंग्लिश में हर एक क्वेश्चन जो होता है 4 मार्क्स का होता है। तो आप एक अंदाजा लगा सकते हैं कि इसमें जितने भी जीएस के पोर्शन, ये जो आपका सेकंड पेपर होगा उसमें 50 क्वेश्चन जो होंगे आपके सिर्फ इंग्लिश के होंगे। और ईच एंड एवरी क्वेश्चन हैज 4 मार्क्स, है ना। 50 मार्क्स, 50 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन में हर एक क्वेश्चन जो होता है 4 मार्क्स का होता है। तो टोटल आपके जो हो जाते हैं 200 मार्क्स। किस टोटल कितने होते हैं? 200 मार्क्स। ये आपके टोटल जो कवरिंग होता है इंग्लिश का होता है 200 मार्क्स का। सो इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओके बच्चों, नेक्स्ट होता है जो आपका जीएस वाला पार्ट, जीएस पार्ट जिसमें जनरल नॉलेज, जिसमें जनरल नॉलेज। अगर मैं जनरल नॉलेज की बात करूं तो टोटल जो होता है बच्चों 100 क्वेश्चन होते हैं। कितने होते हैं? 100 क्वेश्चन होते हैं। टोटल जो होते हैं बच्चों 100 क्वेश्चन होते हैं और हर एक क्वेश्चन जो होता है 4 मार्क्स का होता है बच्चों। हर एक क्वेश्चन जो होता है, ईच एंड एवरी क्वेश्चन हैज 4 मार्क्स, है ना। तो टोटल जो होता है 400 मार्क्स का हो जाता है। टोटल जो होता है बच्चों 400 मार्क्स का हो जाता है। ओके, तो इस तरह से अगर देखा जाए तो 400 ये, 200 ये, यानी 600 और 300 मैथ का। तो टोटल जो आपका रिटेन एग्जाम होने वाला है 900 का होता है। यानी टोटल जो आपका रिटेन एग्जाम होता है बच्चों 900 का होता है। तो थोड़ा सा डिस्कस करते हैं पहले मैथ से, है ना, मैथ की बात करते हैं। तो मैथ में जो आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चों, आपके मैथ के क्वेश्चन जो होते हैं रिटेन एग्जाम में, आपके 11, 12 के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 11, 12 के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 11th में आपने पढ़ा होगा सेट, रिलेशन, फंक्शन, है ना बच्चों। सेट, रिलेशन, फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्री हो गई, कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये सारे जो होते हैं, फिर 12th में आपने पढ़ा होगा ट्रिग्नोमेट्री, फिर से पढ़े होंगे फंक्शन, और उसके बाद आप कैलकुलस पढ़े होंगे, डिफरेंशिएशन, लिमिट, इंटीग्रेशन, ये सारे जो टॉपिक होते हैं एनडीए एग्जाम के होते हैं, है ना बच्चों। तो इसमें क्या है कि जो आपके एग्जाम में आईआईटी जेई का जो टॉपिक होता है मैथ का, वही टॉपिक मैथ का यहाँ पे एनडीए एग्जाम में होता है। ओके बच्चों, तो बच्चों अगर मैं बात करूं एलजेब्रा का, तो एलजेब्रा में यहीं पे 26 क्वेश्चन पूछे जाते हैं आउट ऑफ 120। फिर आता है आपका ये जो क्लास 12 का पार्ट होता है मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट, और देयर आर 11 क्वेश्चन, है ना। मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट में 11 क्वेश्चन होते हैं। यहीं पे बात करूं ट्रिग्नोमेट्री की, तो ट्रिग्नोमेट्री जो होती है ये 21 क्वेश्चन होते हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है 21 होते हैं। एनालिटिकल ज्योमेट्री 2D की बात करें, एनालिटिकल ज्योमेट्री 2D की बात करें, यानी ज्योमेट्री, यानी आपको ज्योमेट्री की बात करें, वहां से आपके 10 क्वेश्चन होते हैं। 10 से 11, 12 क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। मतलब ये एक अप्रोक्सीमेट, एक मोटा मोटा अंदाजा है कि यहाँ से इतने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर मैं बात करूँ 3D की, जो ये भी 12th का पार्ट है 3D, और इससे से 5 से 6 क्वेश्चन इससे भी पूछ लिए जाते हैं। अगर मैं बात करूँ डिफरेंशियल कैलकुलस की,
कैलकुलस की बात करूं तो 13 क्वेश्चन यहां पे पूछे जा रहे हैं, और यही इंटीग्रल कैलकुलस की बात करूं तो 10 क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। वेक्टर अलजेब्रा की बात करूं ये 5 क्वेश्चन हो गए। स्टैटिक्स की बात करूं यहीं पे 14 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और प्रोबेबिलिटी की बात करूं तो 5 से 7 क्वेश्चन, कभी कभी 10 क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। यूपीएससी का कोई भी वो क्राइटेरिया रहा नहीं है कि क्या किस तरह किसमें कितने क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे। हाँ, ये एक अनुमान रहता है कि भाई इस चैप्टर से इतने क्वेश्चन आए हैं तो हो सकता है 1 या 2 क्वेश्चन इधर उधर हो सकता है। इसमें ये चीज आपको दिमाग में हम रखना है। तो हम बात करते हैं मैथ को, मैथ कैसे पढ़ना चाहिए। तो या तो बच्चे आप लोग 11th 12th में होंगे, या तो 12th अपियरिंग में, या तो इंडिया एग्जाम दे रहे होंगे, यही होंगे। तो आपको जो 11th 12th की मैथ की एनसीईआरटी है उसको साथ साथ जो आपकी एक बुक आती है आरडी शर्मा की, उसको आपको लगाना है ना। आप लगाते रहिए, मोर एंड मोर क्वेश्चन लगाइए। आपको हर एक क्वेश्चन को हर एक बेसिक कॉन्सेप्ट को आपको कवर करते चलना है ना, हर एक बेसिक कॉन्सेप्ट। और ये नहीं कि आपके जो एग्जाम में है 120 क्वेश्चन होते हैं कि बहुत ही ज्यादा हार्ड होते हैं, नो। बस ये होता है कि 120 क्वेश्चन में कुछ जो होते हैं वो बहुत ही ज्यादा हार्ड होते हैं, कुछ उससे भी थोड़ा सा कम, फिर उससे कम, फिर थोड़ा सा कम, है ना। तो आपको ये समझना है कि जो कि आपको उसमें गेन करना है। आपको वहां पे ये नहीं कि आपको कितना सारा क्वेश्चन आता है कि आप 120 क्वेश्चन ही हल करने लगे। आपको अब एकेडमिक में नहीं है बच्चों, अब है आप किस फेज में, आप कंपटीशन के क्षेत्र में है, कंपटीशन के क्षेत्र में। तो उसमें आपको ये देखना होगा बच्चों, उसमें ये देखना होगा कि आपको क्वालिफाइंग मार्क्स कितने हैं, आप पहले उतना कर लीजिए उसके बाद आप। और ये भी जान लीजिए कि इसमें जो होता है माइनस मार्किंग भी होता है, तो हर एक क्वेश्चन को आपको सूझबूझ के साथ ही करना होगा। ओके बच्चों, अगर मैं बात करूं कि अगर आपको लग रहा है कि मैथ की एग्जाम में कि आपको 30 से 40 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो 30 से 40 क्वेश्चन आपने कवर कर लिया, और उसके बाद आपको डाउट लग रहे हैं कि इसके बाद हमको डाउट है, ये हो सकता है, ये वो हो सकता है, जिसको हम कहते हैं अपनी भाषा में तुक्का, तो तुक्का लगाया जा सकता है। बट उससे क्या है कि आपके डिसएडवांटेज भी हो सकते हैं कि आपके जो मार्क्स गेन किए हैं उसमें से भी आपके माइनस हो सकते हैं। ओके, तो इस चीजों को ध्यान रखना है, और अपने जो भी है कि आपको बस इतना ही देखना है कि आपकी क्वालिफाइंग मार्क्स जो होती हैं 25 से 30% होती हैं। तो आपने मैथ में अगर 35% गेन कर रहे हैं तो आप अब ज्यादा क्वेश्चन करने की कोशिश नहीं करना है। अगर आपको आ रहा है तो इस बेटर, अगर नहीं आ रहा है तो फिर वो वही क्वेश्चन करना है जो क्वेश्चन आपको आ रहे हैं, पहले वही क्वेश्चन को आपको टच करना है। अब मैं बात करूं कि मैथ को कैसे पढ़ा जाए। अब देखिए, अब जो मैथ्स है जो 12th अपियरिंग में है वो अलग बात है कि वो अभी 12th का एग्जाम दे रहे होंगे, और उसके बाद जो 12th के बाद अब एनडीए की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें क्या करना है कि हर एक चैप्टर को, जैसे पहला चैप्टर है नंबर सिस्टम जिसमें बाइनरी और डेसिमल से कन्वर्जन होता है, उसमें उससे भी क्वेश्चन जो है आपके 1 या 2 क्वेश्चन पक्का है, एकदम नेसेसरी है कि उससे आते ही आते हैं। तो उन क्वेश्चन को आपको बढ़िया से क्या करना है, लगाना है, और उससे ये देखना है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके पास होना ही चाहिए, है ना बच्चों। जब आप मैथ पढ़ रहे हैं, जब आप तैयारी करने जा रहे हैं, तो आपके पास 4 से 5 साल का आपके पास मैथ का आपके पास पेपर होना ही चाहिए। और जो चैप्टर आप लगा रहे हैं उस चैप्टर का, जो चैप्टर आप लगा रहे हैं उस चैप्टर के पहले आप क्वेश्चन को सॉल्व करिए, पहले बेसिक चीजों को कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे आइए कि क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्या मुझसे हल हो पा रहा है। अगर नहीं हो पा रहा है तो कहीं कहीं आपकी लैकनेस है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि बेसिक कॉन्सेप्ट उस चैप्टर का तैयार करना है, और थोड़े क्वेश्चन को लगाने हैं, समझने हैं चीजों को, फिर उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे आने हैं कि उससे कितने क्वेश्चन आए हुए हैं और क्या क्या क्वेश्चन आए हैं, कहां से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इन चीजों का आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए। ओके बच्चों,
जैसे मान लीजिए चैप्टर है मैट्रिक्स, तो मैट्रिक्स के आपने पहले आपको सारे क्वेश्चन को समझने हैं कि जीरो मैट्रिक्स क्या होता है, उसमें कॉन्सेप्ट समझना है, डिटरमिनेंट को समझना है, फिर उसके बाद क्वेश्चन को हल करना है, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाने हैं कि किस तरह से क्वेश्चन उसमें आए हुए हैं, क्या मैं हल कर पा रहा हूं, अगर नहीं हल कर पा रहे हो तो फिर उसको और ज्यादा क्या करना है, आपको क्वेश्चन को समझना है और उसको हल करने की कोशिश करना है। ओके बच्चों, तो ये रही मैथ की ये टॉपिक और जो आपको समझना है। और बच्चों ये एक बात याद रख लो कि ये एक एग्जाम यूपीएससी द्वारा कंडक्ट कराई जाती है, तो ये आपके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि आपको बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर होके जाना है। और ये जहां तक जाना जाता है कि आपको 12th के बाद ही ऑफिसर बनना है, तो आपके अंदर ऑफिसर लाइक क्वालिटी, यू नो दैट OLQ है ना बच्चा, OLQ ऑफिसर लाइक क्वालिटी है ना। इफ यू हैव ऑफिसर लाइक क्वालिटी देन दे आर एक्सेप्टेड यू, अदरवाइज कोई बात नहीं। ऑफिसर लाइक क्वालिटी के लिए आपको अभी से, अगर 12th अपियरिंग में है या 9th में है, 8th में है, ये ऑफिसर लाइक क्वालिटी एक या दो दिन में नहीं आपके अंदर आते, अपने पर्सनालिटी को इम्प्रूव करने के लिए आपको डे बाय डे है ना, हर रोज अपने अंदर चेंजेस लाते होते हैं। ये आपको समझने होंगे कि आप ऑफिसर हैं, आप ऑफिसर हैं, और वैसा ही बिहेवियर करना है। ओके बच्चों, क्योंकि वहां पे आप जैसे ही रिटर्न क्वालिफाई करने के बाद अगर आप जाते हैं और वहां पे आपकी कोई भी बिहेवियर अगर ऑफिसर लाइक क्वालिटी से मैच नहीं होती है तो आपको रिजेक्ट किया जाएगा। और उनका यही कंसेप्ट होता है, वही मोटो होता है, उनको डजंट मैटर है ना कि क्या है, आप किस फील्ड से हैं, क्या बैकग्राउंड है, इट्स नो मैटर बच्चों। बस उनके अंदर क्या है कि वो एक चीज ढूंढते हैं अपने ऑफिसर के अंदर, ऑफिसर लाइक क्वालिटी। इफ यू हैव ऑफिसर लाइक क्वालिटी देन दे आर एक्सेप्टेड यू है ना, वो आपको अप्रोच करेंगे, अदरवाइज वो आपको हर वहां से आपको रिजेक्ट कर देंगे। तो आपको अभी से अपने अंदर पर्सनालिटी को इंप्रूव करना है। ओके बच्चों, पर्सनालिटी को इंप्रूव करते करते एक चीज और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अपने इंग्लिश पे ज्यादा फोकस करना है। मैथ, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, ज्योग्राफी, जो भी सब्जेक्ट है इनको तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, और आपको सबसे ज्यादा जो मेहनत करना है वो इंग्लिश पे करना है। इंग्लिश की कमांड मतलब इंग्लिश की प्रोनाउंसिएशन पे, इंग्लिश स्पीकिंग पे और आपकी पर्सनालिटी पे, इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट। सबसे पहले आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करने जा रहे हैं, किसी भी ऑफिसर की, लाइक दैट एनडीए की हम बात कर रहे हैं, तो इसमें सबसे पहले आपको अपने पर्सनालिटी को इम्प्रूव करना पड़ेगा, अपने आप को ये बताना पड़ेगा बच्चों कि हम क्या है, ऑफिसर है ना, हम ऑफिसर हैं, और वैसा ही बिहेवियर आपके अंदर आ जाना चाहिए है ना बच्चों, वैसे ही मेंटालिटी, इमोशन, सारी चीजों को आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर आप एक सैनिक को देख सकते हैं, कि आपने बहुत सारी फिल्में देखी होंगी, विक्रम बत्रा और बहुत सारे ऐसे लोग जो हैं जिन्होंने हमारे देश के लिए, हमारे देश को सर्व करने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी है ना, तो आपको ये चीज समझना पड़ेगा कि यहाँ पे एक ऑफिसर की क्या क्वालिटी होनी चाहिए, क्या है आखिर, क्या होना चाहिए, उन चीजों को आपको हर डे, एवरी डे आपको इम्प्रूव करना पड़ेगा। अगर वो चीज इम्प्रूव हो गई, अगर वो मेंटेन हो गई, तो फिर ये सब छोटी चीज है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये सारी चीजें हो जाएंगी है ना। सबसे फर्स्ट थिंग इज दैट कि आपके अंदर ऑफिसर लाइक क्वालिटी आना ही चाहिए। ओके बच्चों, नेक्स्ट है, नेक्स्ट है, अगर मैं बात करूं जीएस की, तो जीएस में सबसे पहला टॉपिक जो है, अब जीएस में बहुत सारे पार्ट होते हैं, एक ब्रॉड सब्जेक्ट होता है जीएस में, मैंने बताया भी 100 क्वेश्चन होते हैं, और 100 क्वेश्चन यानी 4 मार्क्स के, यानी 400 है बच्चों, 400। मैं अगर बात करूं फिजिक्स की,
फिजिक्स के जो क्वेश्चन होते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होते हैं, वो आपके 20 से 25 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, है ना बच्चों? 20 से 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें सिर्फ फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के जो होते हैं आपके 50 क्वेश्चन, से 50 से 50 क्वेश्चन होते हैं। अब इन 50 क्वेश्चन में सबसे ज्यादा जो वेटेज रहने वाला होता है वो फिजिक्स का होता है। ओके बच्चों, फिजिक्स का सबसे ज्यादा वेटेज होता है, और फिजिक्स के जो सिलेबस होते हैं आपके 11th 12th के ही होते हैं, ये याद रखना है। जिसमें जैसे लाइक दैट मोशन इन अ प्लेन, है ना, वेक्टर आपने पढ़ा होगा, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, है ना, इलेक्ट्रिसिटी, लाइट, है ना, ये जो जितने भी 11th 12th के आपके चैप्टर हैं, हाँ, उनको आपको पढ़ना पड़ेगा। ग्रेविटेशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन, ये जो चैप्टर है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, जहां से क्वेश्चन आपके उठते ही उठते हैं, लाइक दैट ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन हो गया, एसएचएम हो गया, सिंपल हार्मोनिक मोशन हो गया, फिर उसके बाद काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी हो गया, फिर उसके बाद आपके वेक्टर से क्वेश्चन भी उठते हैं आपके, फिर उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी हो गई, फिर लाइट हो गया। तो ये जो चैप्टर है, और उसके बाद ऐसे बहुत सारे चैप्टर हैं जिनमें से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा रोल रहने वाला होता है ग्रेविटेशन का, एसएचएम का, फिर वेक्टर का, इलेक्ट्रिसिटी का, लाइट का, तो इन चीजों को, प्रोजेक्टाइल मोशन पे क्वेश्चन हो सकते हैं, तो इन चीजों पे आपके आपको फोकस करना। आई होप जितने भी बच्चे एग्जाम देते हैं डीए का वो मैथ बैकग्राउंड के हैं, तो इन फिजिक्स के चैप्टर को आप याद कर पा रहे होंगे, हाँ, समझ पा रहे होंगे। ओके बच्चों, नेक्स्ट है केमिस्ट्री का। केमिस्ट्री का जो क्वेश्चन होता है ये भी 20 से 15 क्वेश्चन होता है, इनका भी वेटेज होता है 15 से 10 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन भी कभी कभी हो जाते हैं, और जो बायोलॉजी के जो होते हैं जो 5 से 10, 10 से 12 भी क्वेश्चन होते रहते हैं। ओके, तो इनका जो पैटर्न है ये बदलता रहता है हर साल, तो लेकिन ये जानना है कि जो फिजिक्स का वेटेज रहने वाला है वो ज्यादा होने वाला है। ओके, अगर मैं बात करूं केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री को जो आपकी 9th 10th की केमिस्ट्री होती है, जैसे सॉलिड स्टेट, स्टेट्स ऑफ मैटर, है ना, स्टेट्स ऑफ मैटर, और उसके बाद जो आपने 9th 10th में जो चैप्टर पढ़ी होंगे केमिस्ट्री में, है ना, वो चीज आपको इम्प्रूव करना है, केमिकल इक्वेशन, है ना, एसिड बेस एंड साल्ट, है ना, तो इन चीजों पे आपको फोकस करना है। 9th 10th की केमिस्ट्री को आपको उठाना है, एनसीईआरटी को टू द पॉइंट आपको पढ़ जाना है, है ना, और इसमें बेहद बेसिक क्वेश्चन आते हैं और जो आपको समझने हैं। बायोलॉजी की बात करूं, ये भी 9th 10th 10 से 12 क्वेश्चन आते हैं, ये भी 9th 10th के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको बहुत ही ज्यादा ब्रॉड में नहीं पढ़ना है, बस छोटी छोटी चीजें, जैसे रिस्पायरेशन, डाइजेशन से रिलेटेड, है ना, एक्सक्रीशन, डाइजेशन, रिस्पायरेशन, रिप्रोडक्शन, है ना बच्चों, उसके बाद जो सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसमें डाइजेशन हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया, उसके बाद आपके रिस्पायरेशन के बाद डाइजेशन हो गए, इन चैप्टर को आपको ज्यादा फोकस करना है। और टिश्यूज हो गए, सेल्स हो गए, है ना, सेल्स के जितने भी पार्ट होते हैं, लाइक दैट यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, है ना, उसमें जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, प्लास्टिड हो गया, तो इन छोटे छोटे के बाद जो जो पॉइंट है, फैक्ट है, उनको जानना जरूरी है। जैसे क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ दिया जाएगा कि सेल वॉल इज फाउंड इन प्लांट, एनिमल, बोथ प्लांट एंड एनिमल, नन ऑफ दीज, तो इस चीज को आपको छोटे छोटे क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं। वही केमिस्ट्री की बात करूं, केमिस्ट्री में भी ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जैसे ड्राई आइस इज नोन एज सॉलिड, लिक्विड, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, ऐसे कोई दो चार और ऑप्शन दे देगा, नन ऑफ दीज देगा, तो इसमें ड्राई आइस किसको कहते हैं बच्चों, CO2 को कहते हैं। तो इस तरह से आपके क्वेश्चन भी होते हैं, ठीक है, बहुत ही ज्यादा लेवल नहीं बढ़ाना है, लेकिन ये है कि आपको पढ़ना है 9th 10th की केमिस्ट्री को, और 9th 10th की NCERT आपको पढ़ जाना है, केमिस्ट्री की और बायोलॉजी की। ओके बच्चों, इट इज क्लियर दैट, बोलोगे यस सर। अब मैं बात करूं इंडियन पॉलिटी की। अब देखो GS में जो सब पार्ट होता है पॉलिटी का, फिर उसके बाद हिस्ट्री का, फिर ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, डिफेंस, स्पेसिफिक, करंट अफेयर्स एंड स्टैटिक GK, तो जिसमें इंडियन पॉलिटिक्स के भी 5 से 10 क्वेश्चन, हिस्ट्री के भी जो होते हैं 15 से 16
और 10 से पार है, जिसमें हिस्ट्री में हिस्ट्री का जो पार्ट होता है बहुत ही ब्रॉड हो जाता है, जिसमें पहला पार्ट होता है एंशियंट का होता है बच्चों, एंशियंट, दूसरा मेडिवल होता है, और तीसरा जो होता है बच्चों आपका मॉडर्न होता है। तो एंशियंट, मेडिवल और मॉडर्न मिला के एक बहुत ही ब्रॉड हो जाता है, लेकिन आपको सबसे ज्यादा जो फोकस करना है मॉडर्न हिस्ट्री पे, मॉडर्न हिस्ट्री पे फोकस करना है और साथ में एंशियंट पे। मेडिवल को पढ़ना है बट काम बस वही है जो कंसेप्ट जो है और जो मेन मेन पॉइंट है। अब मेडिवल में जिसमें जिसमें आ जाता है दिल्ली सल्तनत, तो दिल्ली सल्तनत में जितने भी डायनेस्टियां हुई हैं, जैसे गुलाम वंश है ना, गुलाम डायनेस्टी है ना, स्लेव डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी, सैयद डायनेस्टी, लोदी डायनेस्टी, उसके बाद आपके मुगल पीरियड, यही दो कंसेप्ट। लेकिन इसमें क्या है, इसमें बहुत सारे डेट होते हैं जो बच्चों को याद नहीं होते हैं। और एक बात, मैं इस चीज को मैं मानता भी हूँ कि एक मैथ्स के स्टूडेंट के लिए, एक साइंस के स्टूडेंट के लिए जीएस पढ़ना कितना बड़ा एक चैलेंज होता है। लेकिन बच्चों, अगर आपने, ये आपकी फ्यूचर है, आपने डिसाइड किया है मुझे क्या करना है, जब आपने डिसाइड किया है तो फिर आप क्यों पीछे भागते हो? तो आपने नहीं डिसाइड किया है, आपने ही अपने चीजों को कहा है कि अपने मन को कहा है, अपने अंतरात्मा को कहा है कि मुझे ऑफिसर बनना है। तो अगर ऑफिसर बनना है तो उसके लिए उतना ही क्या करना पड़ेगा, मेहनत तो करना ही पड़ेगा बच्चों, है ना। तो एंशियंट पे ज्यादा फोकस करना है, मॉडर्न पे फोकस करना है, मेडिवल पे भी करना है, बट जो सबसे ज्यादा मेहनत करना है मॉडर्न पे करना है। ओके बच्चों, वहीं पे ज्योग्राफी, तो ज्योग्राफी भी दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी। तो इंडियन ज्योग्राफी को टू द पॉइंट आप एनसीईआरटी की, एनसीईआरटी मस्ट है जीएस के लिए, आपको एनसीईआरटी ही पढ़ना है, टू द पॉइंट एनसीईआरटी ही पढ़ना है। एनसीईआरटी इज वेरी नेसेसरी, है ना, वेरी नेसेसरी। हर एक पॉइंट वहीं से क्लियर होंगे। ओके बच्चों, हिस्ट्री के लिए आपको एनसीईआरटी तो पढ़ सकते हैं, उसके साथ साथ भी साइड बुक, जैसे अगर मैं हिस्ट्री की बात करूं तो मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आप स्पेक्ट्रम का यूज कर सकते हैं, इंडियन पॉलिटी के लिए आप लक्ष्मीकांत, इट इज अ वेरी गुड बुक, तो आप वहां उसकी हेल्प ले सकते हैं, जो आप लक्ष्मीकांत का यूज करके आप उसको पढ़ सकते हैं। फिर ज्योग्राफी में इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, तो इंडियन ज्योग्राफी में आपके एग्रीकल्चर है ना, रिसोर्सेस है ना, जो आपके चैप्टर होते हैं उनको ध्यान पे रखना है और उनको पढ़ते जाना है, जो भी आपके ज्योग्राफी में चैप्टर होते हैं उनको टू द पॉइंट पढ़ता जाना है। लेकिन जो सबसे ज्यादा फोकस करना है बच्चों, इंडियन ज्योग्राफी पे करना है। दो पार्ट में ज्योग्राफी होती है। फिर उसके बाद इकोनॉमिक की बात करें तो इकोनॉमिक से जो क्वेश्चन होते हैं वो भी 4 से 5 क्वेश्चन होते हैं, बट ज्यादा वेटेज नहीं होता है। लेकिन जो सबसे ज्यादा वेटेज होने वाला होता है वो ज्योग्राफी का होता है, फिर हिस्ट्री का होता है, फिर पॉलिटी का भी। लेकिन ये याद रखना है कि जो इनका पैटर्न है बदलता रहता है, तो इन्हीं आपसे 3 और 4 से क्वेश्चन आपके बनते हैं, है ना, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी। तो इस पे आपको ज्यादा फोकस करना है, इकोनॉमिक्स भी पढ़ना है, बट ये है कि इकोनॉमी जो है बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आता है, बट आप क्या कर सकते हैं, किसी टीचर की हेल्प से, या हमारे यहाँ टीचर हैं उनकी टीचर से आपकी हेल्प ले सकते हैं, है ना सर। तो डिफेंस स्पेसिफिक में बात करें तो डिफेंस से रिलेटेड, जिसमें जैसे आर्मी, एयरफोर्स, और कब युद्ध हुआ, कब चीजें हुई, कब गठन हुआ, आर्मी का गठन कब हुआ, एयरफोर्स का गठन कब हुआ, कब कौन सा डे मनाया जाता है, क्या सारी चीजें हैं, तो उनसे रिलेटेड डिफेंस स्पेसिफिक्स में आपके 3 से 4 से 5 क्वेश्चन भी हो जाते हैं। ओके बच्चों, फिर नेक्स्ट आता है जो करंट अफेयर्स, इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। तो करंट अफेयर्स के लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपको, जो आपको करंट अफेयर्स के साथ साथ आपको इंग्लिश की वोकैब, इंग्लिश को भी इंप्रूव करने वाला है। जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको इंग्लिश न्यूज़पेपर लेना है, लाइक दैट हिंदूज या इंडियन एक्सप्रेस, जो भी है इंडियन हिंद। और मेरा ये सलाह रहेगा कि आप हिंदू ही पढ़े। ओके बच्चों, बहुत सारे टीचर का अलग अलग कंसेप्ट होता है, बट अकॉर्डिंग टू मी हिंदू इट इज अ गुड न्यूज़पेपर, सो आप इसको ले सकते हैं और आप इसको आपको पढ़ना है। तो उसमें जो आपको वोकैब है वो भी इम्प्रूव होने वाली है, और उसके साथ साथ
वो कैप पे ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि हर एक जो नए नए वर्ड्स जो है डे बाय डे क्या होते हैं आते रहते हैं, तो वो आपको वहां से अप्रोच करना है और वहां से आपको समझने हैं, क्योंकि जो आपके क्वेश्चन आते हैं उसमें ऐसे ही नए नए वर्ड्स इंग्लिश में डाल दिए जाते हैं जिसका मीनिंग आपको पता नहीं होता है, जैसे एंटोनिम सिनोनिम्स हो गया। तो क्या बच्चों करंट अफेयर्स जो होते हैं अब जो डे बाय डे आपको उसी न्यूज़पेपर से पढ़ने हैं, नेशनल इश्यूज इंटरनेशनल इश्यूज, क्या स्कीम आ रहा है, क्या इंडिया में स्कीम अप्लाइड हुआ है, कौन सा अमेंडमेंट हुआ है, ये सारी चीजों को आपको देखना है। ये नहीं कि आप लगे कि छोटे लोकल न्यूज़पेपर पढ़ने लगे और लोकल न्यूज पढ़ना, लोकल न्यूज आपको नहीं पढ़ना है, आपको नेशनल इश्यूज पे इंटरनेशनल इश्यूज पे जो आपके चीजों इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, हाँ ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर क्या है उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आ रहे हैं और जो चीजें हो रही हैं, क्या स्कीम पीएम द्वारा लगाया जा रहा है, कौन सा स्टेट में क्या हो रहा है, है ना, तो ये चीजें आपको पढ़ना है। साथ में इंटरनेशनल इश्यूज में जैसे लाइक दैट की इंडिया और चाइना के बीच में क्या कौन सी बैठक हुई है, या जो G7 सम्मेलन है, या जो भी चीजें हो रही हैं, जो भी बैठकें हो रही हैं, उनको आपको जानना है, है ना, उन चीजों पे आपको फोकस करना है। फिर आ रहा है स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके मतलब एक कॉमन जनरल नॉलेज जो आपको जानने चाहिए, जो आपको डेली लाइफ से जो जनरल नॉलेज होते हैं उनको आपको पढ़ना होगा। स्टैटिक जीके इसी को कहा जाता है। तो करंट अफेयर और स्टैटिक जीके से 10 से 12 क्वेश्चन इसमें भी हो जाते हैं। ओके बच्चों, तो ये रहा ये फुल एनालिसिस अबाउट जीएस पेपर। तो जीएस पेपर ये टोटल मिला के जो होते हैं आपके 400 नंबर के हो जाते हैं, है ना बच्चों, कितने नंबर के, 400, यानी 50 क्वेश्चन इंग्लिश के होंगे, 50 क्वेश्चन आपके जीएस के होंगे और 50 क्वेश्चन आपके साइंस के होने वाले हैं, यानी टोटल जो वेटेज होने वाला है 150 क्वेश्चन, 150 × 4 यानी 400 मार्क्स। ओके बच्चों, अगर मैं बात करूं थोड़ा सा, मैं टॉपिक ले लूं जिसमें फिजिक्स की बात करूं, मैं बात कर रहा था तो ले लीजिए इलेक्ट्रिसिटी अगर देखा जाए तो 5 क्वेश्चन, मैग्नेटिज्म की बात करूं तो 3 क्वेश्चन, ऑप्टिक्स रे ऑप्टिक्स जो होता है उससे बात करूं तो 6 क्वेश्चन, वेव 4, ग्रेविटेशन, हाइड्रोस्टैटिक्स, काइनेमेटिक्स, यानी 21 क्वेश्चन। यानी इसका मतलब क्या है कि ये जो टॉपिक हैं, ये जितने 5 से 6 टॉपिक आपको लिखे गए हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो इन्हीं पे सबसे ज्यादा फोकस करना है, हमने बताया भी था, है ना। फिर सेकेंड है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, तो इनऑर्गेनिक से 9 क्वेश्चन, तो आपको सबसे ज्यादा फोकस जो करना है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे करना है। बायोलॉजी की बात करें तो सेल थ्योरी, हाँ यस, कि जैसे मान लीजिए टाइफाइड हो गया, बायोलॉजी की बात करूं तो सेल थ्योरी विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, और इससे आपके 2 से 3 क्वेश्चन भी आ जाते हैं, है ना, कई बार तो छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ जाते हैं, हु डिस्कवर्ड सेल, है ना, रॉबर्ट हुक, है ना, ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं। ह्यूमन एनाटॉमी, हेल्थ एंड डिजीज इट इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, इससे हमेशा एक क्वेश्चन तो हमेशा रहता है, जैसे लाइक टाइफाइड किस के थ्रू होता है, किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू होता है, बैक्टीरिया, पैरासाइट, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ एंड फंगाई, वायरस, तो आपको टिक करना होगा, है ना। एनाटॉमी ऑफ प्लांट, प्लांट ब्रीडिंग, क्रॉप ग्रोथ एंड फार्मिंग, इससे भी 2 क्वेश्चन, इससे भी 3 क्वेश्चन, तो 10 से 12 क्वेश्चन आपके बायोलॉजी से भी हो जाते हैं। ज्योग्राफी की बात करें तो फिजिकल ज्योग्राफी से आपसे 2 क्वेश्चन, इंडियन ज्योग्राफी 11 और मैपिंग जो होता है 7, तो आपको बताया गया कि आपको इंडियन ज्योग्राफी पे आपको ज्यादा फोकस करना है। अगर मैं हिस्ट्री की बात करूं तो हिस्ट्री में जो 3 पार्ट होते हैं, तो मैंने आपको बताया कि जो सबसे ज्यादा फोकस करना है आपको मॉडर्न हिस्ट्री पे करना है, ठीक है ना। फिर उसके बाद एंशिएंट पे। पॉलिटी की बात करें तो मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन 1 क्वेश्चन, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी 1, यूनियन से 1, जुडिशरी से भी 1, लैंड रिफॉर्म से 1, यानी 4 से 5 क्वेश्चन आपके यहाँ से पूछ लिए जाते हैं। इकोनॉमिक्स की बात करें तो प्लानिंग एंड कमीशन कंपोनेंट, एग्रीकल्चर से रिलेटेड 3 से 1 क्वेश्चन इसमें भी पूछ लिए जाते हैं। जनरल नॉलेज की बात करें, फर्स्ट लॉन्गेस्ट रिवर, है ना, फर्स्ट प्रेसिडेंट, है ना,
फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट, ऐसे लाइक दैट क्वेश्चन, लार्जेस्ट डैम, लार्जेस्ट रिवर, ऐसे क्वेश्चन, लॉन्गेस्ट लॉन्गेस्ट करके जो क्वेश्चन होते हैं वो पूछ लिए जाते हैं। फिर गवर्नमेंट की स्कीम्स जो हो गई, इंटरनेशनल डेज है ना, कौन सा डेज है, कौन सा नेशनल डे, इंटरनेशनल डेज, गेम्स एंड स्पोर्ट्स है ना, कि गेम्स एंड स्पोर्ट्स से भी 2 से 3 क्वेश्चन होते हैं। फिर आ गए डिफेंस, स्पेसिफिक की बात करें बच्चों तो इसमें मिलिट्री एक्सरसाइज, इसमें 3 से 4 क्वेश्चन आपके होते हैं। ओके बच्चों, तो ये सारी चीजें आपको डिस्कस करना है और इन पे आपको मेहनत करना है। तो आपको आई होप कि आपको सिलेबस थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, और आपको यही चीज समझना है कि ये एक पूरा का पूरा एक ब्रॉड सिलेबस होता है, और आपके पास समय बहुत ही कम होता है ना बच्चों, समय बहुत ही कम होता है। तो एक, मैं ये नहीं कहता हूं कि आप एक टाइम टेबल बना लीजिए और उस टाइम टेबल को बना के पढ़िए, और फिर 1 दिन 2 दिन फॉलो करिए, फिर उसके बाद 3रे दिन खत्म कर दीजिए, ऐसा कुछ नहीं करना है। अगर आपने डिसाइड किया है कि मुझे कैप्टन बनना है, मुझे आर्मी में ऑफिसर बनना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इट्स योर चॉइसेस। सो आपको उसी की तरह आपको मेहनत भी करना पड़ेगा, आपको अपना खुद का स्ट्रेटेजी बनाना पड़ेगा कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ओके बच्चों, उसमें सबसे बेस्ट चीज ये है कि आपको हर एक सब्जेक्ट को एक प्लानिंग करनी पड़ेगी कि हर एक सब्जेक्ट को इतने दिन में खत्म करना है, टारगेट लेकर चलना पड़ेगा, हर एक सब्जेक्ट को ऐसे ऐसे कंप्लीट करना है। मैथ्स जो हो गया, मैथ्स को रेगुलर कर लीजिए, और जो और अदर सब्जेक्ट हैं लाइक दैट कि साइंस हो गया, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, उनको डे बाय डे अल्टरनेट करके है ना, या कुछ टारगेट करके कि आज एक चैप्टर हमें खत्म करना है एनसीईआरटी का, टू द पॉइंट उसको पढ़िए, नोट्स बनाइए, उसको बार बार रिवाइज करिए। और सबसे बेस्ट चीज ये है कि अपने इंग्लिश पे फोकस बहुत ही ज्यादा करना है, आपकी स्पीकिंग पे, आपके वोकैबुलरी पे, आपके पर्सनालिटी पे, ये 3 चीज जो है आप मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्पीकिंग, इंग्लिश स्पीकिंग, वॉइस, एंड नेक्स्ट इज आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट। आपकी पर्सनालिटी में ऑफिसर लाइक क्वालिटी दिखना चाहिए, आपको इस चीज को इम्प्रूव करना है हर डे एंड ईच एंड एवरी डे। ओके बच्चों, जय हिंद, फिर मिलते हैं नए कंसेप्ट के साथ।